शनिवार को मथुरा शहर के हृदय स्थल होलीगेट स्थित अग्रवाल धर्मशाला में भाजयुमो होलीगेट मंडल द्वारा युवा शक्ति संवाद और कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनावों के मद्देनजर बूथ को मजबूत करने पर बल दिया गया। शनिवार को भाजयुमो होलीगेट मंडल द्वारा युवा शक्ति संवाद और कार्य समिति बैठक का आयोजन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष यज्ञदत्त कौशिक के निर्देश पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मृदुल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता मदन मोहन श्रीवास्तव, महेश काजूभाई, भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकेश तायर, मंडल महामंत्री विजय शर्मा, मुख्य वक्ता महानगर मंत्री और प्रभारी शशांक शर्मा तथा सह प्रभारी ओमकार सिंह, मंडल मंत्री नितिन कुमार मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया प्रभारी श्याम शर्मा, महानगर कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत द्वारा पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा का संचार करते हुए प्रत्येक बूथ को मजबूत करने पर बल दिया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में हर बूथ पर कैंप लगाकर भाजपा सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को भाजपा की नीति और रीति से जोड़ने को कहा, जिसमें भाजयुमो होलीगेट मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो युवा शक्ति संवाद हुआ है, उसमें सारे कार्यकर्ताओं को ये सूचना दी गई है कि अपने बूथ को मजबूत करें और अपने बूथ पर कम से कम 20 यूथों को ऐसा सशक्त कर दें कि वो अपने बूथ को साथ कर चलें और आगामी चुनाव में जिससे सरकार को सहायता मिले अपना बूथ मजबूत करने में। और इसी के साथ हर बूथ पे स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा अपने साथ, सरकार की सारी नीतियों को, योजनाओं को, प्रदेश की जो योजनाएँ हैं, आगामी योजनाएँ, उन सबके बारे में सबको अवगत करा के और सारे युवाओं को आपस में जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक युवा संवाद का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाले चुनाव में हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक पैरेलल मैनेजमेंट के रूप में पहुंचाने का काम कर रही है। संगठन दृष्टि से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो युवाओं की विंग है वो उस चुनाव के संचालन की दृष्टि से काम करेगी। उसी विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का संवाद पूरे प्रदेश में हर मंडल में युवाओं से हो रहा है। उसी श्रृंखला में आज होलीगेट मंडल में एक युवा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर चर्चा, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी जो योजना है, आम जनमानस को उससे लाभ हुआ है, उसकी परिचर्चा के साथ लोगों ने संकल्प लिया है कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। पिछली बार 325 सीट आई थी, इस बार 350 प्लस का जो नारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को दिया, उसको अगर साकार कोई करेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसको साकार करने का काम करेंगे।